vegetables chopped. फ्रेंड्स जिया चली गई है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बिल्कुल वो जाती है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कल हमने रील्स बनाए थे तो रात को बिंदी लगाई थी मैंने, वो लगी हुई है, इसका ग्लू बहुत अच्छा निकला है तो अभी तक लगी हुई है। तो फाइनली जिया चली गई, वैसे तो रहती वो, लेकिन वो जा रही है कल अहमदाबाद, वैकेशन है बच्चों की, तो वर्षा जा रही है अहमदाबाद 8 दिन के लिए, वैकेशन में ही जा पाती है वो वैसे भी, तो इसीलिए, नहीं तो अदरवाइज वो और मेरे साथ रहती, वो रहती है तो मुझे भी एक ऐसा लगता है ना कोई बातचीत करने वाला है। हाँ देखो दृश है, ओम है, ओम अपने में ही रहता है और दृश का चल रहा है अभी एग्ज़ाम बोर्ड का, तो वो पूरा दिन पढ़ाई में रहता है और आपको पता है हम लेडीज़ को है ना, लेडीज़ के साथ बात करने को थोड़ा समझ में आता है, तो जिया और मैं बातचीत करते हैं, बाहर जाते हैं, उसके साथ अलग ही लेवल का मस्ती चलता है मेरे साथ, और काफ़ी हेल्पफुल है वो, मेरा बहुत ख्याल रखती है, ख्याल रखने से ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ होती है। तो अभी वो चली गई है तो फिर से थोड़ा सा सैड सैड लगेगा, बट कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई आता है कोई जाता है, तो ज़िंदगी यही है, चलती रहती है, और उसको भी यू नो जाना चाहिए, उसका भी वैकेशन है तो वो जा रही है अहमदाबाद, अच्छा है, घूम के आएगी वहाँ पर, उसके लिए भी थोड़ा चेंज होगा। और ओम की थोड़ी तबीयत डाउन है, अभी पी रहा है गर्म पानी, उसको गले में दर्द हो गया है क्योंकि मोना अभी के एनिवर्सरी पे गए थे तब इसने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पी थी वहाँ पे, तो इस वजह से उसका गला, क्योंकि मैं इतना बोल पा नहीं रही थी उस समय उसको, मैं दूर थी काफ़ी और ये मुझे दूर दूर से पी पी के यू नो चिढ़ा रहा था, तो अभी वो उसका हो गया गला ख़राब। तो बस इसी नोट पर इस ब्लॉग को करूँगी एंड। हाँ जो मार्केट से सामान लेके आई थी मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को, वेरी सॉरी फॉर दैट। मैंने लिए थे लता और वर्षा के लिए इयर रिंग्स, यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर इयर रिंग्स बहुत अच्छे मिलते हैं डेली वेयर के लिए, जहाँ से मैं अपने लिए लेके आई थी तो उन्हें बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं वहाँ से उनके लिए लेके आई, और दूसरा जिया के लिए स्लीपर काइंड ऑफ सैंडल लेके आई ताकि उसको डेली वेयर के लिए चाहिए था, तो बस इतना ही कुछ लिया, और थोड़ा सा फरसान ले लिया बच्चों के लिए जो उन्हें अच्छा लगता है, तो बस क्योंकि मैं मासी हूँ तो थोड़ा बहुत जो बच्चों के लिए यू नो कर पाएँ ऐसा लगता है करें, तो और जो उन्हें पसंद हो यहाँ का जो अच्छा लगता है, मोस्टली यहाँ पर इतना कुछ अच्छा मतलब है नहीं, मुझे नहीं लगता है अहमदाबाद में ज़्यादा बस मुझे अच्छा लगता है चीज़ों, क्योंकि हम बचपन से वहाँ रहे हैं तो सब मैं वहीं से मंगाती हूँ, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी है, दो तीन चीज़ें जो वहाँ केतन को और यू नो लाइक वर्षा के बच्चों को अच्छी लगती है तो वो मैं यहाँ से चीज़ें भेज देती हूँ। जैसे अभी वो वर्षा को यहाँ पे मिर्ची वड़ा, और जैसे मारवाड़ी लोकेलिटी मेरे यहाँ पर ज़्यादा है तो मिर्ची वड़ा और कचौरी वगैरह अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने भेजे हैं यहाँ से ताकि यू नो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बस इसी नोट पे करूँगी इस ब्लॉग को एंड, और आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, अपनी प्रेरणा को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दें, खुद ख्याल रखें अपना और अपनों का ख्याल रखें, चलिए फ्रेंड्स बाय बाय। फ्रेंड्स वेलकम टू माय ब्लॉग प्रेरणाज लाइफ, कैसा है आप सब लोग। तो अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 10 मिनट्स पड़े हैं, देखिए ये मेरा 5 मिनट आ गया है, और यहाँ मैंने कर लिया है किचन क्लीन, ऑलमोस्ट रात को ही किया था बट थोड़ा मॉर्निंग में ओम का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है, और अभी मैं बनाने वाली हूँ दृश के लिए कुछ नाश्ते जैसा, क्योंकि सुबह को ओम के लिए मैंने चीज़ ब्रेड ही बनाया था क्योंकि अभी वो 6:45 निकल जाता है, 6:45 उसे स्कूल रीच करना रहता है तो ऑलमोस्ट 6:30 बजे तक वो निकल जाता है। तो यहाँ मैंने भिगा दिया है दिस चवली, तो मैंने शायद पहले भी बताई है इसकी सब्जी, अगर मैंने शेयर की है शायद तो इसकी रेसिपी नहीं दूंगी, और अभी मैं बनाने वाली हूँ दृश के लिए मिक्स चीला, वेजिटेबल चीला, तो बस चलिए बनाते हैं, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्विक सा फटाफट सा आप मॉर्निंग के टाइम पे भी बच्चों के लिए बना सकते हैं, और चलिए फिर बनाते हैं। फ्रेंड्स बात आपको बतानी थी, मैं कुछ लेके आई हूँ, उस दिन जिया के साथ गई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो ये एक मैं चॉपर लेके आई हूँ दिस, और पहले मेरे पास वो रस्सी वाला था बट वो उमेश लेके चले गए, उनका भी वहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा है बिकॉज़ वहाँ पे उनके पास सब है और ऐसे ही लेके चले गए, तो चलो मैंने सोचा अब क्योंकि ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे कम क्वान्टिटी की चीज़ें हैं ना वो हम लोग को जब करनी रहती है तो वो बड़ा बड़ा, मेरे पास बहुत बड़ा वाला भी है, बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिक वाला, लेकिन वो बहुत जब क्वांटिटी रहती है तो मुझे लगता है निकालना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसा लगता है यार चलो हाथ से ही कर लेते हैं बिकॉज़
हम लेडीज़ को ऐसा लगता है ना, फिर दो पहले मेड धोती है, बट स्टिल ऐसा लगता है ये बड़े बड़े चीज़ें क्यों निकालें, तो हमें कॉम्पैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये मैं लेके आई इस बार, ये मुझे नया मिला है क्योंकि वो थ्रेड वाला तो हमने यूज़ कर लिया, और थ्रेड भी थोड़े टाइम के बाद कैसे ना कैसे करके ख़राब हो जाता है। तो इसका इस तरीके से ये है, यहाँ पे ये देखिए ये लॉक दिया गया है, तो ये नीचे आ जाता है। अभी मैंने इसका लॉक खोला हुआ है, तो ये और आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड में, रुकिए मैं मोबाइल सेट करती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये इस तरीके से बस ये खड़ा, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसे मैंने लोकल शॉप से ही ख़रीदा, ऑनलाइन भी था, बट मुझे ना ऑनलाइन थोड़ा सा डर लग रहा था क्वालिटी कैसा आएगा, फिर रिटर्न की मगजमारी एंड ऑल। तो मैं जब मार्केट गई थी, थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा 50 50 रुपये जितना रेट ज़्यादा लगा, लेकिन इट इज़ फाइन बिकॉज आप क्वालिटी चेक करके ले सकते हो, और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। और ये एपेक्स कंपनी का है, पहले भी मैंने एपेक्स कंपनी के यू नो प्लास्टिक वगैरह यूज़ किया है, डब्बे वगैरह तो काफ़ी अच्छे थे, तो आई थॉट ये भी अच्छा रहेगा, बट क्वालिटी वाइज वेरी स्टेबल, लो वाला क्वालिटी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जो थ्रेड वाला मंगाया था ऑनलाइन, उसका थोड़ा क्वालिटी लो था, वो 200 में मुझे 1000 ml का मिला था, और ये मुझे 250 में 750 ml का मिला है। बट आई एम वेरी ओके विद दिस, क्वांटिटी वाइज बहुत सही है और क्वालिटी तो बेस्ट है। और भी दो तीन चीज़ें मुझे लेनी है, और दो तीन चीज़ें मैंने मंगाई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं चीले की तरफ। चीला बिल्कुल इजी वाला, एकदम सिंपल वाला मैं बताने वाली हूँ, ताकि कोई तामझाम ना रहे, जो घर में आपके पास अवेलेबल हो बस वो डालो, और बच्चों को फटाफट हेल्दी वाला नाश्ता दे दो। तो चलिए फटाफट बनाते हैं नाश्ता। गाइस व्हाट्स अप, तो अभी मेरा हो गया है रिवीजन, फिजिक्स का एग्जाम है मेरा परसों, चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? अच्छा मैं बना रही हूँ तुम्हारे लिए चीला। चीला? यस। अच्छा तो इससे आप ग्राइंड करोगे? ग्राइंड नहीं होता उसको, चॉप होता है, जो भी है चॉप हो। इसको निकाला कि ब्लेड को? ऐसे ही मेरे को मन किया। काम मत पड़ा। जितने टाइम में मम्मी ये टमाटर दो तीन वेजिटेबल काट लिए ना, उतने टाइम में मेरा एक एप्पल नहीं कटता है। तभी तो हम मम्मी है ना। जाओ जाओ, तुम पप्पा भी बन जाओगे ना, तब भी ये सब काम नहीं होगा तुम लोगों से। ये ट्राई कर रहा है दृश, ये अभी जिम करने वाले हैं, और ये देखिए इनसे इतनी चीज नहीं हो रही है, तो ऊपर नहीं आ रही है। लॉक था ना वो, कोई को किए ना गाइस, तूने ही ये किया, फिर कुछ भी लॉक नहीं था। लॉक देखो, फ्रेंड्स नहीं आता है तो बहाने देख लो। नहीं ये लॉक था। अच्छा, और मम्मी बिंटू करके बोल रहे थे मेरे को कि लॉक नहीं है दुकान। सही 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 बात है गाइस, ये व्लॉगिंग के लिए एक कॉन्स्पिरेसी है मेरे ऊपर। हाँ ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, हो गया, और बाकी है कुछ? चलो करने वाली हूँ थोड़ा सा सूजी, दो ये भी 2 चम्मच के आस दिया हरा धनिया, तो शूट करना भूल गई। और अब डाल देंगे वेजिटेबल, यहाँ पे मैं डाल दूंगी थोड़े से तिल, चिली, थोड़ी सी अजवाइन, सॉल्ट टू टेस्ट। गैस ऑन कर दिया है और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे अच्छे से। मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे एक और आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करनी है, मीनवाइल मैंने आटे को रेस्ट पे रख दिया है जो चीले बनाने हैं उसके, और बीट रूट भी बॉईल करने रख दिया, मुझे नहीं खाने हैं क्योंकि मुझे डॉक्टर ने फिलहाल बीट रूट वगैरह और कॉर्न वगैरह सब मना किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए बिल्लो ऐसे पड़े हैं, तो वो नहीं खाना है मुझे, लेकिन बच्चे तो खा ही सकते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए बीट रूट बॉईल कर दिया। और दृश्य जैसे मैंने अभी आपको दिखाया,
रिश कर रहा है अपनी पढ़ाई, उसका है कल एग्ज़ाम बायोलॉजी का, तो वो उसकी तैयारी कर रहा है। और मैंने सोचा मीनवाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने एक और चीज़ मंगाई है जो मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ, मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ, बट फाइनली मैंने अपना मन बना लिया। लेकिन उससे पहले, मैं दिखाने से पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरा प्रोटीन शेक रेडी कर लिया मैंने। ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर है, मुझे ये फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है। लास्ट मेरा मैंगो फ्लेवर मैंने लिया था तो थोड़ा ओके था वो, बट ये चॉकलेट वाला बैरेबल नहीं है मेरे से। बट भी इतना बड़ा डब्बा आया हुआ है ना मेरे लिए, 3-4 महीने मुझे इसी को बेयर करना पड़ेगा। तो मैं ये कंप्लीट करके आप लोगों से शेयर करती हूँ क्या मैंने मंगाया। पहली बार ये बॉक्स है इसका, ये आप देखिए रेस्ट करने के बाद भी परफेक्ट है, चीले की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहती है। तो बस हम डाल देंगे, पहले मैं एक छोटा सा ही बना के देखना चाहती हूँ।